उत्तराखंड कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने पार्टी के फ्रंट पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सभी पहलुओं पर मंथन हो रहा है। पार्टी के भीतर और बाहर जो बयानबाजी हुई है उन पर भी विचार किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी विचार मंथन कर रही है। 500 से ज़्यादा लोगों से वो मुलाकात कर चुके हैं। परसों 4:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था जो रात के 11 बजे तक चला है। कल भी वो लगभग 11:15 बजे PCC आ गए थे। जिला अध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से मिले, विधायकगणों से मिले, उसके अलावा विधायक प्रत्याशियों से मिले, पूर्व मंत्री और पूर्व जो हमारे सांसद लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और कई वरिष्ठ जनों से उन्होंने मुलाकात की कल शाम 7:30 बजे तक। और आज भी वो सुबह से सिलसिला चला था। PCC में इस समय आए हैं फ्रंटल प्रकोष्ठों के साथ, अनुवांशिक संगठनों के साथ और जो हमारे अन्य अन्य विभागों के चेयरमैन हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और उनकी बात करने का जो वो था जोशीमठ, क्योंकि राहुल गांधी जी की भी चिंता थी जिस तरीके से पूरा हिमालय दरक रहा है उत्तराखंड में, उसके बारे में उनने बातचीत की है। उन्होंने अंकिता मर्डर केस में VIP वाले मैटर पर काफ़ी जानकारियाँ लेने की कोशिश की है। उन्होंने भर्ती घोटाले में जो रहा उसके बारे में जानकारियाँ ली है और पार्टी के अंदरूनी विषयों पर भी हर किसी से वो चर्चा करके पूछ रहे हैं कि क्या है।